Good evening students, myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, aibasa Last class of BCA 6th semester, in paper Data Mining and Warehousing, 6th uh, video lecture, we had discussed data mining, different chapters. And today I am going to start data warehousing and today we will read the data warehouse environment chapter and today's this is seventh lecture okay <clears throat> then first uh, topic of the data warehouse environment is the structure of the data warehouse figure one means uh, below figure shows that there are different levels of detail in the data warehouse देखिए डेटा वेयर हाउस जस्ट ये जो पेपर आपका है डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग इसमें हम लोग जो पहले पढ़ा वो डेटा माइनिंग का पार्ट था जिसमें अलग अलग हम लोग टेक्निक्स क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग एसोसिएशन रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था अब यहाँ से चूँकि दो पार्ट में इसको किया हुआ है इस पेपर में पहले था पार्ट डेटा माइनिंग एंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो डेटा वेयर हाउसिंग का है तो अब हम लोग डेटा वेयर हाउस स्टार्ट कर रहे हैं अब इसको देखिए अब इसमें जो अलग अलग पढ़ना है टॉपिक अभी सबसे पहले मुझे जानना है कि डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर क्या है कैसे वो बनता है तो एक नीचे डायग्राम में हमने फिगर दिखाया है उसको देखिए पहले हम लोग और उसको पहले क्लियर कर ले अलग अलग लेवल उसमें हमने दिखाया है देखिए हमने लिखा है देयर इज़ इन ओल्डर लेवल ऑफ डिटेल यूज़ुअली ऑन अल्टरनेट बल्क स्टोरेज ए करेंट लेवल ऑफ डिटेल ए लेवल ऑफ़ लाइटली समराइज डेटा ब्रैकेट द डेटा मेट मेट मार्ट लेवल एंड ए लेवल ऑफ हाईली समराइज डेटा ठीक है अब देखिए इसमें डायग्राम के थ्रू और आप एक्सप्लेन क्लियर देखिए हाँ समझ लीजिए और बीच में जो आप बड़ा सा देख रहे हैं करेंट डिटेल जिसमें हमने लिखा है सेल्स डिटेल 1990 से नाइन्टी और उसमें हमने लिखा है ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए उसको पहले यहाँ पर तीन अलग अलग लेवल में हमने डिस्प्ले किया आपको जो डेटा वेरा उसका पार्ट है एक आपका जो है करंट डिटेल्स होगा करंट लेवल ऑफ डिटेल्स देखिए पहले भी हमने दिखाया है करंट लेवल ऑफ डिटेल ठीक है उसके पहले देखिए हमने लिखा है ओल्डर लेवल ऑफ़ डिटेल जिसमें बल्क स्टोरेज होगा ओल्डर लेवल ऑफ डिटेल ठीक है फिर क्या होगा एक करेंट लेवल ऑफ डिटेल फिर क्या होगा ए लेवल ऑफ लाइटली समराइज डेटा ठीक है जो डेटा मार्ट लेवल का लाएगा एंड ए लेवल ऑफ हाईली समराइज डेटा ये फाइनली जाके होगा चार स्टेप में देखिए इसको हमने बांटा है डेटा वेयर हाउस को पहला क्या था आपका एक करेंट लेवल सॉरी ए ओल्डर लेवल ठीक है नेक्स्ट करेंट लेवल नेक्स्ट

जैसे से अगर डेटा बढ़ते जाएगा करंट डिटेल जो होगा उसके थ्रू ओल्डर मतलब बैक जो है उसका डेटा वो लेते जाएगा ओल्डर डिटेल में एज द डेटा इज समराइज इज पासेज फ्रॉम करंट डिटेल टू लाइटली समराइज डेटा क्लियर है जब इसको अगर समराइज करे डेटा को तो सबसे पहले करंट डिटेल से कहाँ जाएगा और लाइटली समराइज डेटा देन फ्रॉम लाइटली समराइज डेटा टू हाईली समराइज डेटा इस तरह से फाइनली जाके हाईली समराइज डेटा में स्टोर होगा देखिए डायग्राम्स और और क्लियर समझ लीजिए बड़ा सा जो डायग्राम आपको दिख रहा है जो एक राउंड शेप जो दिख रहा है करंट डिटेल देखिए हमने लिखा है उसके नीचे जस्ट देखिए सबसे नीचे जहाँ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा वेयर हाउस में देखिए आप नीचे ओल्ड डिटेल्स अलग अलग देखिए सेल्स डिटेल्स नाइनटीन टू तो नाइनटीन ये सब जो ओल्ड डिटेल है मतलब एट्टी से एटी तक का फिर ये देखिए जहाँ कहाँ स्टोर जाकर हो रहा है सेल्स डिटेल में जो 90 से 91 देखिए वहाँ सब जगह स्टोर हो रहा है जो करंट डिटेल्स कर सकते हैं अब देखिए वहाँ से दो जगह फिर ये वेयर हाउस वह जा रहा है ये दो देखिए ऊपर ऊपर की ओर बढ़ रहा है एक देखिए इधर वीकली सेल्स वाइज सब प्रोडक्ट एटी टू नाइनटी मतलब ये जैसे देखिए नाइन्टी नीचे देखिए एटी टू एटी कितना हुआ फाइव ईयर्स का हुआ जस्ट वहाँ देखिए फिर नाइन्टी वो, वो वन ईयर का लिया डिटेल्स फिर देखिए वीकली सेल्स वाइज सब प्रोडक्ट लाइन देखिए एटी फोर टू कितना ईयर्स का कलेक्ट करा रहा डेटा एट ईयर्स का फिर देखिए वो फाइनली जो है फाइव पार्ट्स में देखिए बांटा उसको जो मंथली सेल्स बाई प्रोडक्ट लाइन एटी वन टू नाइनटीन नाइनटी टू मतलब वो एलेवन ईयर्स का मतलब फाइनली जाके हाईली समराइज हो रहा है फिर वही देखिए लेफ्ट पार्ट देखिए वो सेम है लाइटली समराइज डेटा जो है जो उसको मेटा डेटा हम लोग कहते हैं और फाइनली जाके हाईली समराइज तो ईयर वाइज आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे पहले देखिए फाइव ईयर्स का डेटा ओल्ड डिटेल लिया फिर वो वन ईयर का करेंट डिटेल्स लिया फिर वहाँ से वो है एट ईयर्स का लिया फिर फाइनली जाके वो टू एलेवन ईयर्स का एक समराइज कर दिया तो इस तरह से ये डेटा पूरा स्ट्रक्चर जो है डेटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर को ये एक तरह से ये हम लोग इसको uh, एक तरह से लेबल के थ्रू उसको शो कर सकते हैं दिखा सकते हैं हम लोग तो ये जो आपका एक थर्ड टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा वेयरहाउस का हम लोगों ने यहाँ देखा अब जो है नेक्स्ट आपका जो सब टॉपिक है सब्जेक्ट ओरिएंटेशन द डेटा वेयर हाउस इज ओरिएंटेड टू द मेजर सब्जेक्ट एरियाज ऑफ द कॉरपोरेशन दैट हैव बीन डिफाइंड इन द हाई लेवल कॉर्पोरेट डेटा मॉडल टिपिकल सब्जेक्ट एरियाज इंक्लूड द फॉलोइंग दो डेटा वेयर हाउस जो है इसको एक तरह से हम लोग कॉरपोरेशन में एक मेन मेन जो सब्जेक्ट एरिया है उसको हम लोग यहाँ एक मॉडल के रूप में हम लोग यहाँ बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे यहाँ पर हमने देखिए लिखा typical subject areas include the following. है टिपिकल सब्जेक्ट एरियाज इंक्लूड द फॉलोइंग जैसे कस्टमर है प्रोडक्ट है ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी पॉलिसी क्लेम अकाउंट ये एक अलग अलग हमने यहाँ एक सब्जेक्ट एरिया को हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया है ईच मेजर सब्जेक्ट एरिया इज फिजिकली इम्प्लीमेंटेड एज ए सीरीज ऑफ रिल्ड टेबल इन द डेटा वेयर हाउस क्योंकि जब डेटा वेयर हाउस में जब हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जब फिजिकली तो अलग अलग सब्जेक्ट एरिया के रूप में और अलग अलग, अलग टेबल्स भी हम लोग यहाँ बनाते हैं ताकि डेटा को वहाँ स्टोर करने में सुविधा हो इस सब्जेक्ट एरिया में कंसिस्ट ऑफ टेन हंड्रेड और इवन मोर फिजिकल टेबल दैट आर और रिलेटेड जैसे अब मान लें कि कस्टमर है तो उसमें टेन होगा फिर uh, सब प्रोडक्ट है तो इस तरह से अलग अलग जो है एरिया uh, में अलग अलग टेबल्स जो है क्रिएट होंगे और सब रिलेटेड होंगे एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट एरिया इम्प्लीमेंटेशन फॉर ए कस्टमर माइट लुक लाइक दैट सो देखिए एक फिगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको अपने फिगर वहाँ दिखाया है फिलहाल आप यहाँ एक समझ लीजिए देर आर फाइव रिलेटेड फिजिकल टेबल नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया है पाँच फिजिकल टेबल हमने शो किया है ईच ऑफ विच हैज़ बिन डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट ए पार्ट ऑफ मेजर सब्जेक्ट एरिया कस्टमर ऐसे कस्टमर एक एरिया हमने यहाँ लिया ठीक है ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं कस्टमर है, प्रोडक्ट है सिर्फ हमने यहाँ कस्टमर को डिस्प्ले किया है देयर इज ए बेस टेबल फॉर कस्टमर इन्फॉर्मेशन एज डिफाइंड फ्रॉम एटी फाइव टू एटी सेवन सपोज रेड ए कस्टमर है वो एटी फाइव से एटी सेवन तक का उसका इंफॉर्मेशन हम लोगों ने टेबल को एक बनाया देर इज़ अनदर फॉर द डिफिनेशन ऑफ कस्टमर डेटा बिटवीन एटी एट टू नाइनटी फिर एटी सेवन के बाद क्या हो गया एटी एट से एटी एट से नाइन्टी तक का फिर हमने एक कस्टमर का पूरा वहाँ पर हमने डेटा को डिफाइन दिया देर इज ए कम्युनेटिव कस्टमर एक्टिविटी टेबल फॉर एक्टिविटी बिटवीन एटी सिक्स देखिए अब एटी फाइव टू एटी सेवन बीच में एटी सिक्स आया तो एक तरह से एटी सिक्स और एटी नाइन ये दोनों का एक्टिविटी मिलाकर एक अलग हम लोगों ने फिर एक टेबल बना लिया ईच मंथ ऑफ ए समरी रिकॉर्ड ए रिटर्न फॉर ईच कस्टमर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कस्टमर एक्टिविटी फॉर द मंथ और हर एक मंथ का एक समराइज समरी जो है एक एक्टिविटी जो है जो कस्टमर का एक्टिविटीज मंथ वाइज हम लोगों को रिकॉर्ड वहाँ हम लोग कर लें दे आर डिटेल एक्टिविटी फाइल्स बाई कस्टमर फॉर एटी सेवन थ्रू एटी नाइन अब जो है अब देखिए एट्टी सेवन और एटी नाइन अब फिर वहाँ से डिटेल्स से कस्टमर का फिर हम लोग स्टोर करना है नाइन्टी थ्रू नाइन्टी वन दिफाइन डिफिनेशन ऑफ द डेटा इन द फाइल्स इज डिफरेंट बेस्ड ऑन दर अब जितना भी डेटा हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट किया फाइल्स में वो ईयर के बेस्ट हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया अब देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है डायग्राम को क्लियर समझ लें देखिए कस्टमर है ठीक है तीन देखिए अलग अलग वहाँ शो कर रहा है डेटा जो आपका बेस है बेस कस्टमर देखिए डेटा नाइन्टीन एटी फाइव से एटी सेवन फिर देखिए बगल में जो देखिए एटी एट्टी से नाइन्टी अब यहाँ पर ये दोनों बेस कस्टमर का डेटा था नीचे देखिए क्या क्या डेटा है कस्टमर आईडी फ्रॉम डेटा डे टू डेट नेम इस तरह से सारे अलग अलग जो है रिलेटेड उसके डेटा होंगे फिर सेम बगल में आपके एटी टू नाइन्टी अब देखिए थोड़ा सा बगल में थोड़ा सा स्पेस हमने वहाँ कस्टमर एक्टिविटी उस बीच का मतलब एटी सिक्स टू एटी नाइन ठीक है अब उसमें का एक्टिविटीज़ को यहाँ अलग से हमने डेटा को स्टोर कर लिया ऑल ऑफ द फिजिकल इसका दो पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में मिला मिलेगा चूँकि यहाँ हम नहीं शो कर पाए हैं जगह के चलते ऑल ऑफ़ द फिजिकल टेबल फॉर द कस्टमर सब्जेक्ट एरिया आर रिलेटेड बाई ए कॉमन की देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जितना भी आपको यहाँ मिलेगा फिगर में कस्टमर आईडी देखिए सब में कॉमन होगा नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको दिखा देंगे देखिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ डिस्प्ले कर दे रहे हैं सबसे तो तो पहले वहाँ देखिए वहाँ भी देखिए कस्टमर आई आपका कॉमन है ठीक है फिर नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं यहाँ पर लास्ट स्लाइड जो है आपका अब देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी कनेक्ट ऑल द डेटा फाउंड इन द कस्टमर सब्जेक्ट एरिया अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर सब्जेक्ट एरिया इज दैट इट मे रिसाइड ऑन डिफरेंट मीडिया चूंकि ये कस्टमर जो आई uh, डी है ये अलग अलग मीडिया में अलग अलग इसको, इसको स्टोर हम लोग कर रहे हैं देर इज नथिंग टू सेट ए फिजिकल टेबल मस्ट रिसाइड ऑन डिस्क इवेन इट रिलेट टू अदर डेटा दैट डज रिसाइड ऑन ए डिस्क मतलब कि इसका एक तरह से दिखाए तो जितना भी फिजिकल टेबल हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे सब जगह एक ये कस्टमर आई डी कनेक्ट होगा समेबल्स आर ऑर्गेनाइज ऑन ए फॉर्म डे टू डे बेसिस कहीं कहीं टेबल जो है डे टू डे बेसिस भी ऑर्गेनाइज होगा दिस इज़ कॉल्ड ए कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा का एक तरह से कंटिन्यूस इस तरह से डेटा का स्टोर वो मैनेज uh, करने का काम करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है अदर्स टेबल्स आर ऑर्गेनाइज होने क्यूमेलेटिव मंथली बेस और भी कई सारे टेबल्स जो होंगे इसमें वो एक मंथली बेसिस मतलब दो तीन मंथ uh, को मिलाकर एक क्यूमलेटिव एक अलग से फिर वहाँ एक ऑर्गेनाइज uh, होगा एंड अदर्स एंड ऑन एन इंडिविजुअल डेट ऑफ रिकॉर्ड और एक्टिविटी वैसे फिर एक अलग भी बनेगा जो इंडिविजुअल डेट या रिकॉर्ड के आधार पर उस एक्टिविटी के आधार पर टेबल बनेगा तो इस तरह अलग अलग यहाँ हम लोग फिजिकली जो है टेबल एक ही कस्टमर सब्जेक्ट एरिया से अलग अलग जो रिलेटेड होंगे सबको अलग अलग हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको मैंने दिखाया था यहाँ भी देखिए ये एक कस्टमर एक्टिविटी था एटी सेवन एटीटी एटी नाइन फिर नाइन्टीन सी नाइन्टी वन ये देखिए हमने क्लियर बगल लिख दिया डेटा वेयर हाउस डेटा इज ऑर्गनाइज बाई मेजर सब्जेक्ट एरिया इन दिस केस बाई कस्टमर नीचे देखिए हमने लिखा है बट ऑल रिकॉर्ड्स हैव सम फॉर्म अपडेट डेट अटैच टू द की यूजुअली द लोअर पार्ट ऑफ द की मतलब जितना भी रिकॉर्ड होगा सारा डेटा डेट जो है सबका की का वो सारा जो है लोअर सबसे लोअर पार्ट वही होगा क्योंकि डेट वाइज सबका एक्टिविटी जो स्टोर होगा तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने देखा कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैसे डेटा वेयर हाउस में हम लोग यूज करते हैं अब जो इसमें पढ़ना है आपको जो टॉपिक है आपका डे वन डे इन एन फेनोमिन ठीक है जो है ये डे वन डे चूँकि जो डेटा वेयर हाउस जो बनता है ना वो एक दिन में क्रिएट नहीं होता है वो उसमें समय लगता है तो ये एक्चुअली कैसे होता है एक उसको हम लोग यहाँ पर डे वन डे डे एन फेनोमिन में हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउसेज आर नॉट बिल्ड ऑल एट वंस वही हमने जो अभी जस्ट कहा कि ये एक दिन में डेटा वेयर हाउस नहीं बनता है इंस्टेट दे आर डिजाइन एंड पॉपुलेटेड स्टेप एट ए टाइम ये अलग बात है कि ये एक डिजाइनिंग जो है एक बार में हो जा होता है एंड सचाई एवोल्यूशनरी मतलब शुरुआत जहाँ से होता है नॉट रिवोल्यूशनरी मतलब ऐसा एक नहीं एकदम धड़धड़ा एक साथ सारा काम सारा फटाफट स्टोर करके और एक जगह वेयर हाउसिंग हो गया ऐसा नहीं है द कास्ट ऑफ बिल्डिंग है डेटा वेयर हाउस ऑल एट वंस द रिसोर्स रिक्वायर्ड अब देखिए इसका जो डेटा वेयराइस का जो कॉस्टिंग है वो भी धीरे धीरे क्रिएट होता है द रिसोज क्या क्या रिसोर्सेज जरूरत होगा एंड द डिस्ट्रप्शन टू द इन्वायरमेंट ऑल डिक्टेट दट द डेटा वेराउस भी बिल्ट एंड ऑर्डरली इटरेटिव मतलब धीरे धीरे डेटा वेराउस में वो इटरेटिव के रूप में एक रिपीटेशन के रूप में ऑर्डरली वो स्टेप स्टेप ए टाइम फैशन भी इस तरह से वो चलते जाता है द बिग बैग अप्रोच टू डेटा वेराउस डेवलपिंग इज सिंपली एंड इन्विटेशन टू डिजास्टर मतलब बिग बैग अप्रोच मतलब एक साथ अगर हम डेटा वेराउस डेवलप करेंगे तो एक तरह, तरह से हम लोग डिजास्टर मतलब एक प्रॉब्लम को इन्वाइट करना हम लोग कह सकते हैं एंड नेवर एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव और इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है मतलब कहने का मतलब कि जो भी डेटा वेयर हाउसिंग जो हम लोग यहाँ पर करेंगे वो धीरे 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 स्टेप वाइज हम लोग सारा वेयर हाउसिंग का काम हम लोग करेंगे डेटा स्टोरेज का काम करेंगे अब देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ हमने एक फिगर ड्रॉ किया फिगर थ्री लिखा हमने ठीक है फिगर थ्री चूँकि जस्ट नीचे देखिए हमने स्टार्ट किया है वहाँ उसके थ्रू शो करेंगे लेकिन यहाँ उसको हमने एक्सप्लेन किया है फिगर थ्री शोज द टिपिकल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए डेटा वेयर हाउस एक सिंपल एक हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाया कि डेटा वेयर हाउस कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं कैसे बनता है ऑन डे वन जैसे देखिए करीब छः डे डे में हमने यहाँ पर अलग अलग हम लोग उसका एक दिखाएंगे कैसे शो शो करेंगे कैसे वो आगे आगे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे ऑन डे वन दे इज ए पॉलीग्लॉट ऑफ लीगेसी सिस्टम्स एसेंशियली डूइंग ऑपरेशनल ट्रांजेसनल प्रोसेसिंग मतलब जैसे डे वन में सबसे पहले एक तरह से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो आपके पास उसका एक हम लोग यहाँ एक जगह एक जगह कलेक्ट कर लेंगे सारे को डेटा को ऑन डे टू द फर्स्ट फ्यू टेबल्स ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट एरिया ऑफ द डेटा वेरा साइड पॉपुलेटेड अब डे टू में हम लोग क्या करेंगे कुछ टेबल जो है एक आपका जो सब्जेक्ट एरिया है वहाँ से धीरे धीरे उसको पॉपुलेट करेंगे मतलब उसका एक जगह से हम लोग एक जगह कलेक्ट करना शुरू करेंगे एट दिस पॉइंट ए सर्टन अमाउंट ऑफ क्यूरसिटी रेस्ड अब धीरे धीरे यहाँ से हमारा बढ़ रहा है कि कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है एंड द यूजर्स स्टार्ट टू डिस्कवर डेटा वेयर हाउस एंड एनालटिकल प्रोसेसिंग अब यहाँ से यूजर जो है कैसे कैसे डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर करेगा कैसे प्रोसेस करेगा वो वहाँ से एक तरह से क्यूरोसिटी बढ़ते जाएगा डे टू से ऑन डे थ्री मोर ऑफ द डेटा वेयर हाउस इज पॉपुलेट अब थ्री जो डे में क्या होगा बहुत सारे एक कलेक्शन हो जाएगा डेटा वेर हाउस में डेटा आपका एंड विद द पॉपुलेशन ऑफ उ डेटा कम्स मोर यूजर्स मतलब वो कई सारे यूजर्स को भी यूज करने के लिए वो अवेलेबल होगा वंस यूजर फाइंड देयर इज एन इंटीग्रेटेड सोर्स ऑफ डेटा दैट इज इजी टू गेट एंड टू एंड एज ए हिस्टोरिकल बेसिस डिजाइन फॉर लुकिंग एट डेटा ओवर टाइम देर इज मोर देन क्यूरसिटी एट अबाउट दिस टाइम द सीरियस डी एस एस एनालिस बिकम्स एट्रैक्टेड टू द डेटा वेयर हाउस डे थ्री में देखिए क्या होता है जब users अब कई सारे यूजर्स अब रेडी हो गए ताकि वहां से डेटा कलेक्ट कर सके और डेटा एक्सेस कर सकें यहाँ से ईजी हो गया एक्सेस करना क्योंकि तो कई सारे डेटा आपको एक जगह मिल जाएंगे डी एस तो एस डिजिजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं हम लोग वैन लिस्ट यहाँ से अब यहाँ से अट्रैक्ट होगा डेटा वेयर हाउस को अब यहाँ से डेटा को uh, कलेक्ट करने में ऑन डे फोर एज मोर ऑफ द वेयर हाउस बिकम्स पोपुलेटेड अब डे फोर में आपका कई सारे डेटा वेयर हाउस यहाँ रेडी होंगे डेटा कलेक्ट हो गए हैं दैट हा डिसाइडेड इन द ऑपरेशन इन्वायरमेंट बिकम्स प्रॉपरली प्लेस इन द डेटा वेयर हाउस एंड द डेटा वेयर हाउस इज नाउ डिस्कवर्ड एज ए सोर्स फॉर डूइंग एनाल्टिकल प्रोसेसिंग अब वहाँ से एक प्रोसेसिंग के रूप में एनालाइज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं अब सारे सोर्स आपको आपके यहाँ अवेलेबल होंगे ऑल सॉर्ट्स ऑफ डी एस एस एप्लीकेशन स्प्रिंग अप इन डेट सो मेनी यूजर्स एंड सो मेनी रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेसिंग मतलब यहाँ से डे फोर से आपका कई सारे रिक्वेस्ट यूजर्स के आएंगे कई सारे वेयरहाउस uh, से डेटा यहाँ से कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे दैट सम यूजर्स आर पुट ऑफ बाई द एफर्ट रिक्वायर टू गेट द डेटा वेयर हाउस और द कंपिटिशन टू गेट एट देयर हाउस बिकम्स एन ऑब्सटिकल टू यूजर्स अब यहाँ से कई सारे कंपिटिशंस में होंगे कई सारे डेटा चूंकि एक साथ जब uh, कई यूजर्स जब यहाँ से रिक्वेस्ट uh, करेंगे तो एक ऑप्सटिकल्स भी कई सारे आएंगे चूंकि कैसे उसको यूज करना है वो भी एक यहाँ से इशू स्टार्ट होगा ऑन डे फाइव डिपार्टमेंटल डेटा बेस अब देखिए डे फाइव में जो आप करें अब यहाँ पर एक डेटा मार्ट के रूप में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट टू ब्लॉजम ये यहाँ से डेटाबेस यहाँ क्रिएट होना शुरू होगा डिपार्टमेंट फाइंड वॉट इज दैट इज चीपर एंड ईजियर टू गेट देयर प्रोसेसिंग डन बाय ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस इन टू देयर ओन डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट अब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोसेसिंग एन्वायरमेंट के रूप में यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा एज डेटा गोज टू द डिपार्टमेंटल लेवल ए फ्यू डी एस एस एनालाइटिक्स आर अट्रैक्टेड अब यहाँ से डिपार्टमेंट लेवल अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा और डी जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो अनलिस्ट है अब यहाँ से अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा सिंपल देखिए चूंकि दो तीन स्टेप हमने यहाँ दिखाया है डे वन में देखिए यहाँ क्लियर है एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब अलग अलग डेटाबेस बेस आपका यहाँ पर मिल रहा है नेक्स्ट स्लाइड में देखिए डे टू uh, में फिर वही एग्जिस्टिंग सिस्टम देखिए एक वन सब्जेक्ट एरिया अलग से डेटा वगैरह उसके रूप में वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया फिर नीचे डे थ्री में देखिए तीन अलग अलग डेटा इस तरह से अब यहाँ से अब डेटा सब्जेक्ट एरिया बढ़ते जाएगा सिंपल हमने यहाँ समराइज़ कर दिया नीचे में डे वन डे एंड फेनोमेनन को देखिए डे दे वन हमने लिखा है सोर्स सिस्टम मतलब यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा है डे टू में देखिए वन सब्जेक्ट एरिया वहाँ से हमने अलग डेटा वगैरह उसमें कलेक्ट करके स्टोर किया डे थ्री में मोर सब्जेक्ट एरिया कई सारे सब्जेक्ट एरिया देखिए यहाँ से कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया जो आप डायग्राम में भी देख रहे हैं डे फोर में पॉपुलेशन ऑफ डेटा इन सब्जेक्ट एरिया स्टार्ट इंक्रीजिंग अब यहाँ से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होगा जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया डे <coughs> फाइव में सब डिविजन अब यहाँ से डेटा मार्ट को सब डिवीज़न मतलब डिविजन वाइज बढ़ेगा चूंकि कई सारे डिविज़न अब यहाँ आते जाएंगे कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट आते जाएंगे डे सिक्स में अब यहाँ से पॉपुलेशन डेटा मार्ट इंक्रीज होना शुरू होगा अब यहाँ समझ लीजिए एक तरह से हम लोग जो देखिए जस्ट ऊपर हमने यहाँ बगल में एक्सप्लेन भी किया डे सिक्स में ऑन डे सिक्स द लैंड रस टू डिपार्टमेंटल सिस्टम टेक प्लेस अब यहाँ डिपार्टमेंटल जो है सिस्टम जो है अपना अलग अलग एक सिस्टम uh, स्पेस लेगा और यहाँ से अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इट इज चीपियर चीपर फास्टर एंड इजियर टू गेट डिपार्टमेंटल डेटा दैन इज इट इज़ टू गेट डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस मतलब यहाँ से अगर आपको डिपार्टमेंटल वाइज डेटा अगर आपको चाहिए तो आसान से आप यहाँ से ले सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं शून एंड यूजर्स वेयर इवेंट फ्रॉम द डिटेल ऑफ डेटा हाउस टू डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग और यहाँ से जो यूजर है अपना वेयर हाउस से डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा ऑन डे एंड मतलब कई सारे जब डे आगे बढ़ते जाएंगे तो आर्किटेक्चर इज फुली डेवलप अब जब भी जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आर्किटेक्चर जो है डेवलप हो गया ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इज ऑपरेशनल प्रोसेसिंग अब यहाँ से आपका ऑपरेशनल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया द वेयर हाउस इज फुल ऑफ डेटा मीन्स आपका डेटा वेयर हाउस आप यहाँ पर कंप्लीट डेटा का स्टोरेज वो फुल कंप्लीट कर लिया देयर आर ए फ्यू डायरेक्ट यूजर्स ऑफ द डेटा वेयर हाउस देर आर ए लॉट ऑफ डिपार्टमेंटल डेटा बेस मोस्ट ऑफ द डी एस एस एनालिटिकल प्रोसेसिंग मतलब यहाँ से देखिए अब कई सारे यूजर डेटा वगैरह से डायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कई सारे डिपार्टमेंटल डेटा बेस यहाँ से ले सकते हैं कई डी एस एस जो एनालिटिकल एनालिटिक्स होते हैं वो यहाँ से डिपार्टमेंटल लेवल प्रोसेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज ईजियर एंड चीपर टू गेट द डेटा नीडेड फॉर प्रोसेसिंग दे मतलब यहाँ से कोई भी डेटा को आसानी से हम लोग नीड के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस यहाँ से हम लोग कर सकते हैं तो ये एक पूरा कंप्लीट एक जो डेटा फिनोमिन था डे वन टू डे एन मतलब वन से लेके कई सारे डे में तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक पूरा देखा नेक्स्ट <coughs> इसके बारे में थोड़ा हमने लिखा है ऑफकोर्स इवोल्यूशन फ्रॉम डे वन टू डे एन टेक्स ए लॉन्ग टाइम जबकि हमने यहाँ क्या देखा कि डे दे वन से कई सारे मतलब दिन इसमें लगेंगे आ, करने में द रिवोल्यूशन डज नॉट हैपन इन ए मैटर ऑफ डेज लेकिन ये जो रिवोल्यूशन है ये मैटर नहीं करता कितने दिन में आपने कंप्लीट किया या कितना दिन लगता है सेवरल ईयर्स इज द नॉर्म कई ईयर्स भी लग जाते हैं इसको नॉर्मलाइज करने में और इसको बनाने में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम डे वन टू डे एंड द डीएसएस एन्वायरमेंट इज अप एंड फंक्शनल लेकिन इस प्रोसेस में डे वन से लेकर जितना भी दिन आप इसमें आप ये इवोल्यूशन चल रहा है ये प्रोसेस चल रहा है तो ये फंक्शनल मतलब इन्वायरमेंट एक तरह से बनते जाता है नोट दैट डे स्पाइडर वेब सीन जैसे स्पाइडर धीरे धीरे कैसे एक एक स्टार्ट करता है धीरे दिर धीरे पूरा एक वेब बना लेता है एंड ए लाजर मोर ग्रैंड फ्राम फॉर्म सच इज नॉट द किस एट ऑल ऑल दो द एक्सप्लेशन इजर कम्प्लीस The day one से day n phenomenon describe here is the ideal way to the get to the data warehouse जो हम लोगों ने यहाँ describe किया एक तरह से data warehouse से कैसे data हम लोग लेंगे वो एक तरह से हम लोग और कैसे ये चलता ये data warehouse बनता है create होता है इसको हम लोगों ने यहाँ describe किया There are many other paths one such path is through the building of data marts first this path is short, signed and leads to the great deal of waste मतलब एक तरह से सीधा डेटा मार्ट जो बनता है जो ये भी एक पाथ है इसके थ्रू भी हम लोग डेटा मार्ट्स को एक जगह कलेक्शन करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पूरा फेनोमिन को पढ़ा अब इसका नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक है ग्रेन्योलरिटी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफर इज द इशू ऑफ ग्रेन्युलरिटी मतलब इसमें जो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम लोगों ने जो देखा जो डेटा वेयरहाउस में बनाने में वो आपका ग्रेन्योरिटी आएगा मतलब कैसे किसके आधार पर अलग अलग वो डेटा वेयरहाउस में डेटा को अलग अलग बांटेगा इन डीड द इशू ऑफ ग्रेन्योरिटी परमिट्स द इंटायर आर्किटेक्चर डैट सराउंड द डेटा वेयर हाउस एन्वायरमेंट यही जो है आपको अलग अलग आर्किटेक्चर डेटा के आधार पर अलग अलग बांटने का काम करता है डिवाइड करने का काम करता है क्योंकि कैसे हम लोग अलग अलग उसको डिवाइड करेंगे ग्रेन्योरिटी रेफर टू द लेवल ऑफ डिटेल और समराइजन ऑफ द यूनिट ऑफ डेटा इन द डेटा वेराउस क्लियर है ग्रेन्योरिटी क्या करता है एक तरह से समराइज कर देता है जो भी डेटा वेराउस में डेटा आपका कलेक्ट है लेवल वाइज वो क्या करेगा एक तरह से समराइज कर देगा द मोर डिटेल देयर इज द लोअर ऑफ द लेवल ऑफ ग्रेन्योरिटी जो है लोअर टू जो भी लेवल होगा जो उसको डिटेल वाइज उसको एक तरह से अगर मान लीजिए कि मोर डिटेल है तो उसको लेस डिटेल में करेगा और उसका अगर हाइयर लेवल है तो उस तरह से वो ग्रेन्यूटी को लोअर लेवल में कन्वर्ट करेगा मतलब एक तरह से उसको शॉर्ट में हम लोग उसको कह सकते हैं कि एक लेवल को समराइज़ करने काम करता है फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल ट्रांजेक्शन वुड बी एट ए लो लेवल ऑफ ग्रेन्यूटी ए समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ वुड बी एट ए हाई लेवल ऑफ ग्रेन्योटी मतलब मान लीजिए कोई एक मंथली अगर कोई ट्रांजेक्शन्स मान लीजिए हो रहा है तो उसको हम लोग देखें कि उसमें कौन सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रेन्योलिटी ऑफ डेटा इज ऑलवेज बीन ए मेजर डिजाइन इशू मतलब उसमें ये देखा है तक मैंने मुख्य इशू किससे आता है किसका ज़्यादा यूज हो रहा है इन अर्ली ऑपरेशन सिस्टम ग्रेन्युलिटी वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड पहले का जो ऑपरेशन सिस्टम था आज से बीस तीस साल पहले चालीस साल पहले उसमें ज़्यादा इस ग्रेन्युलिटी को ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं देते थे मतलब उसको ईजीली लिया जाता था, था, था एक तरह से वेन डिटेल डेटा इज बिंग अपडेटेड जैसे से डिटेल डेटा अपडेट होने लगा इट इज ऑलमोस्ट ए गिवन दैट डेटा बी स्टोर्ड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रैनोिटी मतलब ये डेटा जो स्टोर हो रहा है उसमें लोएस्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रेड ग्रेनोरिटी मतलब जैसे डेटा तो बहुत सारा है लेकिन कौन यूज के हैं कौन किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आ, यूज के हिसाब से या आपके मॉडल के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन द डेटा वेयर हाउस इन्वामेंट दो ग्रेन्योटी इज नॉट एज्यूम्ड अब देखिए फिगर नीचे जस्ट हमने यहाँ एक एक्सप्लेन किया है ग्रेन्यूटी को दिखाया है नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए द लेवल ऑफ़ डिटेल देखिए लेफ्ट साइड में देखिए हमने लिखा हाई लेवल ऑफ़ डिटेल को लो लेवल ऑफ ग्रेन्यूटी में कैसे कन्वर्ट किया गया है जस्ट इसका अपोजिट देखिए बगल में राइट right साइड लो लेवल ऑफ डिटेल को हाई लेवल मतलब जस्ट अपोजिट नीचे देखिए दोनों तरफ एग्जाम्पल हमने दिया है पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला देखिए एग्जाम्पल हाई लेवल को डिटेल को लो लेवल में ग्रेन्यूटी में कैसे कन्वर्ट किया है द डिटेल्स ऑफ एवरी फ़ोन कॉल मेड बाई ए कस्टमर फॉर a मंथ जैसे कोई मान ली कंपनी है कस्टमर हर मही पूरा महीना मान लिया कि जितना भी फोन कॉल आ रहा है तो वो डिटेल्स अब देखिए इसमें कई सारे डिटेल है उसको लो लेवल में कन्वर्ट किया गया सबसे पहले फ़ोन कॉल को डिटेल्स वहाँ स्टोर किया गया है अब देखिए बगल में कैसे हाई को कैसे लोवल लो में कन्वर्ट कर दिया गया द समरी ऑफ़ फ़ोन कॉल्स मेड बाई कस्टमर फॉर मंथ मैंने अभी क्या है लेफ्ट वाला में क्या था कि सारे को स्टोर एक जगह करते गया जितना फोन कॉल आया लेकिन आ, राइट साइड देखिए कैसे उसको हाई लेवल को लो लेवल में डिटेल कैसे लो लेवल को डिटेल को कैसे हाई लेवल ऑफ ग्रेनिविटी में कन्वर्ट किया गया समराइज कर दिया गया कि कौन सा फ़ोन कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर का उसको एक अलग समराइज कर दिया गया तो इस तरह से ग्रेनिटी का हम लोग यहाँ पर आ, काम वर्क देखे जस्ट देखिए ये पार्ट था बी पार्ट में देखिए एक सिंपल लेफ्ट साइड में देखिए हमने एक पार्टीशनिंग ऑफरेट डेटा माने डेटा बहुत सारा डेटा हमारे पास है उसको दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा मतलब है उसको स्प्लिट किया द स्प्लिटिंग ऑफ डेटा इन दो स्मॉल यूनिट मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट में अलग हम लोग स्प्लिट कर लिया डन एट द एप्लीकेशन लेवल ऑफ द डी बी एम एस लेवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेवल पर उसको एप्लीकेशन लेवल वाइज हम लोग यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं जस्ट देखिए राइट साइड देखिए बगल में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा एक साथ अगर है तो डिफिकल्ट टू मैनेज उसको मैनेज करना मुश्किल है जस्ट बगल में देखिए हमने सेवन अलग अलग छोटा छोटा अलग अलग हमने डेटाबेस दिखाया वहाँ देखिए इजी टू मैनेज आसानी से अगर उसको बांट देते हैं अगर बड़ा अगर डेटाबेस जो भी हमारा डेटा है तो उसको हमको आसानी से मैनेज कर सकते हैं ये देखिए एक मेजर डिजाइन इशू है जो डेटावेयर है उसका ग्रेनिटी में पार्टीशन करके और प्रॉपर डिजाइनिंग हम लोग कर सकते हैं इसको देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक्सप्लन कर दिया है ग्रेन्योरिटी इज़ द मेजर डिजाइन इशू इन द डेटा वेयर हाउस इन्वायरमेंट बिकॉज इट प्रोफाइंड प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट इस द डेटा वेयरहाउस एंड द टाइप ऑफ क्वेरी दैट कैन भी एंसर्ड ग्रेन्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा वेयरहाउस एन्वायरमेंट का क्यों क्योंकि इसके ही थ्रू सारे जितना मैंने डेटा का जो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मान लीजिए इसमें कई सारे क्वेरी आते हैं अब मान लीजिए अगर मेन मेन अगर पार्ट उसका हम लोग इस जगह स्टोर करके रख लें बहुत सारे कॉल आते हैं लेकिन अगर जो उसका इंपॉर्टेंट इशू है तो क्वेरी का आंसर देना हमारे लिए आसान हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ डेटा इन ए वेयर हाउस इज ट्रेडेड ऑफ अगेंस्ट द लेवल ऑफ डिटेल ऑफ़ ए क्वेरी इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज डेटा कम्स इन टू द डेटा हाउस एट टू हाई लेवल ऑफ ग्रेन्यूटी इसलिए मैक्सिमम केसेज में देखा गया कि हाई ए लेवल ऑफ ग्रेन्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंट उसको दिया गया है दिस मीन्स दैट द डेवलपर मस्ट स्पेंड ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज ब्रेकिंग द डेटा अ पार्ट मतलब जो डेवलपर होगा बहुत सारे रिसोर्सेज को ब्रेक करके जो डेटा उसका इंपॉर्टेंट है जो उसका पार्ट है उस पर जो ज़्यादा फोकस करेगा ऑकेजनली दो डेटा इंटर्स द वेयरहाउस एट टू लो ए लेवल ऑफ ग्रेविटी इसलिए डेटा जो है वेयरहाउस में मतलब मिनिमम जो आपका एक तरह से लेवल ग्रेविटी होगा वो वहाँ हम लोग इंटर करेंगे एंड एक्जाम्पल ऑफ डेटा एट टू लेवल लेवल ऑफ ग्रेविटी एट द वेब लॉक डेटा जनरेटेड बाय द वेब बेस्ट बिजनेस इन्वायरमेंट इसे एग्जाम्पल देखिए टू टूल लेव, ले, ए लेवल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होगा जैसे वेबसाइट पर कई सारे आपका डेली बहुत सारे जनरेट होता है आपका इन्वायरमेंट बनता है लेकिन जो वहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको यहाँ पर एक तरह से जनरेट करते जाएगा वे वेब्लॉग क्लिक स्ट्रीम डेटा मस्ट बी एडिटेड एडिटे, फिल्टर्ड एंड समराइज मतलब जो भी इन्वायर डेटा बेस हाउस में स्टोर करने के मतलब एक समराइज होगा फिल्टर्ड होगा कि कौन सा क्लिक स्ट्रीम डेटा जो है इंपॉर्टेंट है तो इस तरह से उसको स्टोर करके रखा जाएगा तो ये सिंपल एक ग्रैनुलिटी का हम लोगों ने यहाँ देखा इसका है इसका पूरा डिजाइनिंग अब सिंपल इसका कुछ बेनिफिट्स हमने यहाँ दिया है कि क्या इसका बेनिफिट्स है द ग्रैनुलर डेटा फाउंड इन द डेटा वेयर हाउस इज द की टू री यूजबिलिटी बिकॉज इट कैन बी यूज मे मेनी पीपुल इन डिफरेंट वेज चूँकि इसका सबसे बेनिफिट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा वेयर हाउस में रीयूजिबिलिटी कि आसानी से चूंकि एक ही डेटा अलग अलग वे में कई सारे पीपुल यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल विद इन ए कार्पोरेशन सपोज डाटो कोई कंपनी है द सेम डेटा माइट बी यूज टू सेटिस्फाइड द नीड ऑफ मार्केटिंग ऐसे एक ही डेटा देखिए अलग अलग कैसे आ, को कैसे नीड के हिसाब से सेटिस्फाई करता है जैसे मार्केटिंग है सेल्स है एंड अकाउंटिंग तीन डिपार्टमेंट हो गया ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स लुक एट द बेसिक सेम डेटा और सारे तीनों डिपार्टमेंट को एक बेसिक जो डेटा होगा सबके पास सेम ही होगा मार्केटिंग मे वॉन्ट टू से सी सेल्स ऑन ए मंथली बेसिस बाई जियोग्राफिक डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग वाला जो होगा वो क्या चाहेगा कि एक मंथली पूरा डिस्ट्रिक्ट का कैसे वो पूरा मार्केटिंग हुआ उसका एक पूरा ग्राफ देखना चाहेगा सेल्स में वन टू सी सेल्स बाइज सेल्स पर्सन बाई सेल्स ऑन ए वीकली बेसिस जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें सेल्स के थ्रू देखेगा कि भाई पूरे हफ्ता में पूरा कैसे सेल्स पर्सन कैसे सेल किया एंड फाइनेंस में वन टू सी रिकोगनाइजेबल रिवेन्यू ऑन ए क्वार्टरली बेसिस पे प्रोडक्ट लाइन फाइनेंस वाला देखेगा भाई कितना रिवेन्यू हमको मिला क्वार्टरली के एक क्वार्टर के हिसाब से तो ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ इफॉर्मेशन आर क्लोजली रिलेटेड जबकि सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे रिलेटेड है येट स्लाइटली डिफरेंट हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है विद डेटा वेयर हाउस द डिफरेंट ऑर्गनाइजन आर एबल टू लुक एट द डेटा एज द विश टू सी इट और डेटा वेयर हाउस में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अलग अलग जिस तरह चाहते हैं हम लोग उसको देख सकते हैं ये ग्रैनीट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है ठीक है अनदर रिलेटेड बेनिफिट इज फ्लैक्सीबिलिटी एक दूसरा एक और बेनिफिट है जो फ्लैक्सीबल है सपोज दैट मार्केटिंग विशेज टू अल्टर हाउ टू इट लुक एट डेटा हैविंग ए फाउंडेशन इज प्लस अलाउज दिस टू भी एकजिली मार्केटिंग अगर चाहता है कि हम कुछ बदलाव करें चेंजिंग करें डेटा में ताकि हम उसको आसानी से पूरा कर सकें तो वो भी इसमें ऑप्शन है ग्रेनुटी के थ्रू नेक्स्ट एक बेनिफिट है अनदर बेनिफिटिटिफ ग्युटी डेटा इज दैट इज कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट अक्रॉस द कॉरपोरेशन मतलब कई सारी जो एक्टिविटी जो होते हैं वो सारे हिस्ट्री वहाँ स्टोर होते हैं एंड द लेवल ऑफ ग्रेन्युलिटी इज डिटेल्ड इन इन दैट द डेटा कैन भी रिसिप्ड अक्रॉस द कॉरपोरेशन फॉर मेनी डिफरेंट इन मतलब ग्रेनोरिटी के थ्रू हम लोग डेटा को रीशेप मत कर सकते मतलब अगर मान लें कि अगर कई सारे हिस्ट्री ऑलरेडी वहाँ एक्टिविटीज़ का स्टोर है तो नीट के हिसाब से कॉरपोरेशन उसको रिसेव कर सकता है ज़रूरत के हिसाब से तो ये सारे ग्रेनोरिटी का बेनिफिट्स थे तो ये हम लोगों ने यहाँ तक टॉपिक को हम लोग डिस्कस किया नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू